नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ बच्चे होंगे, खुश होंगे, मस्त और बिंदास होंगे। और इस वाले पावरफुल वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कि रेफरेंस और वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग जो होती है फोटोग्राफी बिजनेस के अंदर या फिर वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस के अंदर क्यों अब काम नहीं करती उस तरीके से जैसे आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले, 7 साल पहले काम करती थी। तीन पॉइंटर में, तीन रीजन पे आपको समझाऊंगा, वीडियो को शॉर्ट टू द पॉइंट और सिर्फ काम की बात करेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझ में आएगा कि क्यों रेफरेंस और वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग का फोटोग्राफी बिजनेस के अंदर अब वो इंपॉर्टेंस कम हो गया है, अब वो इंपॉर्टेंस नहीं रह गया है। ये वीडियो का जो लैंग्वेज होगा हिंदी रहेगा। अगर आपको इसका इंग्लिश लैंग्वेज देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इफ यू वॉन्ट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी, देन यू कैन जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन, यू कैन फाइंड द लिंक ऑफ द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो, राइट। तो मेरा नाम अब्दुल्ला अंसारी है, आई एम एन आई एम अलुमनस टर्न्ड वेडिंग फोटोग्राफर एंड नाउ फोटोग्राफी बिजनेस कोच। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं कि रेफरेंस और वर्ड ऑफ माउथ क्यों काम नहीं करते। पहला पॉइंटर पे आते हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज, रेफरल और वर्ड ऑफ माउथ जो मार्क वो है, जो स्ट्रेटजी है, वो कोई मार्केटिंग नहीं है। सबसे पहले समझिए, ये एक रिवॉर्ड है या एक बोनस है, और एक बोनस है जो कि क्लाइंट आपको देता है जब आप अच्छा काम करते हैं। पूरे बिनो खास तौर से इंडिया के अंदर मोर देन 90% ऑफ द फोटोग्राफर्स, 90% से ज़्यादातर जो फोटोग्राफर्स होते हैं उनका जो बिजनेस होता है वो वर्ड ऑफ माउथ रेफरेंस पे डिपेंड होता है। और उनसे पूछो कि आप कैसे मार्केटिंग कर रहे हो तो बोलते हैं अरे हमारा तो रेफरेंस से काम आ जाता है, हमारे तो 15 साल पहले, 20 साल पहले स्टूडियो मेरे हमारे फादर ने ओपन किया था तो आ जाता है। दोस्तों सच्चाई ये है कि पिछले कुछ सालों में अगर आपका बिजनेस रेफरेंस से चलता हुआ आ रहा है तो आपका बिजनेस का जो ग्रोथ कर्व है वो बिल्कुल नीचे जाता हुआ दिख रहा होगा आपको। दिन दिन आपके महीने बाई महीने ऑर्डर्स आपके कम होंगे, क्लाइंट्स के एक्विजिशंस कम होंगे। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे हर एक पर्सन जो जो फोटोग्राफर सर्च कर रहा है या वेडिंग फोटोग्राफर सर्च कर रहा है वो ऑनलाइन जाता है, और अगर उसको ऑनलाइन किसी का काम अच्छा लग गया तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। मैं मानता हूं कि रेफरेंस का स्ट्रांग इंपॉर्टेंस रहता है, उस पर भी मैं आपको बताऊंगा कि वो अब क्यों रोल प्ले नहीं करता है। तो सबसे बड़ी चीज, ये कोई मार्केटिंग नहीं है, ये एक रिवॉर्ड है और एक बोनस है जो कि क्लाइंट आपको देता है जब आप उसके लिए अच्छा काम करते हैं। लेकिन फोटोग्राफर्स क्या करते हैं, आप उसको मार्केटिंग समझ लेते हैं कि अरे हमारी मार्केटिंग इसी से चलती है। ये तो हो गया, समझ लिए, चेरी ऑन द केक, मतलब आपने अच्छा काम किया तो क्लाइंट ने आपको चेरी दे दिया और वो आपको करते रहना है। लेकिन करना क्या है, सॉल्यूशन क्या है, उस पर आएंगे कि अगर रेफरेंस पे नहीं करना तो क्या करना है, राइट। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है इट इज नॉट कंसिस्टेंट। अब ये क्या चीज है इसको समझते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। रेफरल और वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग कंसिस्टेंट क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि क्योंकि कुछ टाइम बाद ना जो आपके जो क्लाइंट्स होते हैं जिनके लिए आपने काम किया होता है वो आपको रेफरेंस देना ऑटोमेटिकली कम कर देंगे। तो आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि अगर आपका बिजनेस मेनली रेफरेंस पर वर्ड ऑफ माउथ पे चलता है तो किसी महीने आपको काम बहुत अच्छा आ जाता होगा और किसी महीने पता ही नहीं, मतलब बिजनेस आपका जो है पूरा ऑटो पायलट मोड पर चल रहा है। आपके बिजनेस की चाबी, आपके बिजनेस का रिमोट आपके हाथ में नहीं है, राइट। और अगर आपके बिजनेस में कंसिस्टेंसी नहीं है, अगर आपको अगले महीने का रेवेन्यू नहीं पता कितना होने वाला है, कितना इनकम होने वाला है, कितने क्लाइंट्स हैं, तो आप समझ लीजिए राम भरोसे आपकी गाड़ी चल रही है, आज नहीं तो कल आप खत्म हो जाएंगे। और आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं, पेन से मैं आपको बोल रहा हूं, आप अभी लिख सकते हैं, और थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये क्या बताने वाले हैं, लिख सकते हैं कि अगर आपका बिजनेस प्योर रेफरल और वर्ड ऑफ माउथ पर डिपेंड करता है तो अगले 2 साल में आपका बिजनेस आउट ऑफ बिजनेस हो जाएगा अगर आप ऑनलाइन शिफ्ट नहीं करेंगे तो। अभी ऑनलाइन क्या है, कैसे काम करता है, वो भी इसके बारे में भी थोड़ा बताता हूं आपको। जनरली मैं किस तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो करा जाए, फोटोग्राफी बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया जाए, कैसे मार्केट किया जाए, कैसे ग्रो किया जाए, इसके लिए मैं अपनी वर्कशॉप करता हूं। वर्कशॉप जब भी होती है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, देख सकते हैं कब हो रही है और अटेंड कर सकते हैं। वहां पे मैं आपको बताता हूं किस तरीके से फिर मार्केटिंग करना है। तो अभी मैं आपको एक टेस्टिमनी दिखाने जा रहा हूं, अ लाइव टेस्टिमनी, एक ऐसे पर्सन की टेस्टिमनी दिखाने जा रहा हूं जो कि एक्चुअल में मेरी वर्कशॉप में आए थे कुछ टाइम पहले, फिर हमारे प्रीमियम कम्युनिटी में आए, और उन्होंने, उनका बिजनेस 12 साल से चल रहा था सिर्फ और सिर्फ रेफरल्स पे, पुणे के अंदर उनके 2 आउटलेट्स थे, लेकिन बिजनेस का जो पूरा जो टर्नओवर है दिन ब दिन नीचे आ रहा था। कैसे उन्होंने ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटजी सीखी और कैसे ग्रो किया, मैं आपको छोटी सी टेस्टिमनी दिखाऊंगा, आपको उनकी लर्निंग से, उनकी स्ट्रेटजी से आपको बहुत ज़्यादा ही सीखने को मिलेगा। तो ये देखिए, ये चेतन निगम पुणे महाराष्ट्र से, और कैसे इन्होंने अपना पूरा रेफरेंस बिजनेस को ऑनलाइन स्ट्रेटजी में कन्वर्ट किया। लगभग 40-50 सेकंड की इनकी जर्नी है, इसमें बहुत लर्निंग मिलेगी आपको, ये देखिए मैं सुनाता हूँ आपको। नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन निकम, मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। मेरे 2 आउटलेट्स हैं, पुणे में एक है और एक अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे बड़ा भाई हैंडल करता है। क्या हुआ, हम लोग ये 12 साल से बिजनेस कर रहे हैं, तो अभी क्या जो हम लोग बिजनेस कर रहे थे तो अभी एक रेफरेंस के थ्रू ही चल रहा था। भाई चलो, मेरा दोस्त का रेफरेंस है, रिलेटिव का रेफरेंस है, इन लोगों के रेफरेंस से अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन ये लॉकडाउन से वजह से क्या हुआ,
जो वेडिंग हो रहे थे उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा कम हो गई। तो उसी दौरान जो अपने अब्दुल्ला सर उनका प्रोग्राम है वेडिंग फोटोग्राफी मास्टरी करके, तो उनका मैंने एडवर्टाइज देखा फेसबुक पे। तो मैंने सोचा चलो 99 रुपये में ज्वाइन करते, देखते हैं बंदा कितना अच्छा करता है। जब मैंने वेडिंग फोटोग्राफी मास्टरी का जो प्रोग्राम ज्वाइन किया, तो अब्दुल्ला सर ने ये बताया कि हम लोग टेक्निकली कस्टमर के पास कैसे पहुँच सकते हैं, जो भी सोशल मीडिया ये जो फ्री प्लेटफॉर्म अवेलेबल है उसका यूज़ करके थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके हम लोग कस्टमर के पास कैसे पहुँच सकते हैं, ये बहुत बड़ी तरीके से सिखाया। तो जो उन्होंने बोला हम लोगों ने सेम वही फॉलो किया। तो आपको बोलता हूँ मेरे लीड जनरेशन में कस्टमर मिलने में बहुत आसानी हो गई, और बाद में वो लीड का फॉलोअप कैसा लेना है, कस्टमर को पटाना कैसा है, ये सब छोटी छोटी बातें उन्होंने इतनी इतनी अच्छी तरीके से बताई है उनके प्रोग्राम में। यस, तो देखा आपने कि किस तरीके से रेफरल सिस्टम से रिप्लेस करके उसको ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटजी में डाला, राइट। तो ये चीज़ें दोस्तों आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि 12 साल से जो बिजनेस रेफरेंस पे चल रहा था वो ऑनलाइन पे शिफ्ट हुआ, राइट। और सबसे बड़ा मेजर कंसर्न पता है क्या है? सबसे बड़ा मेजर कंसर्न ये होता है फोटोग्राफर्स का कि ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत ही वीक होती है। आपकी ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत ही वीक है, आपको बेसिक इंस्टाग्राम फेसबुक आता है बस सोशल मीडिया मार्केटिंग के नाम पर, वरना ऑनलाइन आपको आइडिया ही नहीं है। क्योंकि आपको आइडिया नहीं है तो आप अपने बिजनेस को ग्रो ही नहीं कर पा रहे, राइट। थर्ड पॉइंट पे जाने से पहले आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक मेरी फ्री वर्कशॉप अटेंड नहीं की है जिसके अंदर मैं आपको ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में बताता हूं कि कैसे एक फोटोग्राफी बिजनेस को या फिर एक वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस को कैसे स्टार्ट करें, कैसे ऑनलाइन मार्केटिंग करें और कैसे एक्सपेंड करें दूसरे शहरों में, तो उसको अटेंड कीजिए। डिस्क्रिप्शन में उसका रजिस्ट्रेशन लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप अटेंड कर सकते हैं। दूसरी चीज, अभी तक अगर आपने हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक वीआईपी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है उसको ज्वाइन कर लीजिए। और तीसरी चीज, अगर आप मेरे प्रीमियम प्रोग्राम्स प्रीमियम कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं जो कि एडवांस प्रोग्राम्स होते हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम्स होते हैं, जहां पे मैं आपको पर्सनली हेल्प करता हूं कोर्सेज की हेल्प से, अपने कम्युनिटी की हेल्प से अपने वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस या फोटोग्राफी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ग्रो करने के लिए और एक्सपेंड करने के लिए, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसी के साथ आते हैं थर्ड पॉइंट के अंदर। दोस्तों थर्ड पॉइंट क्या है? डू नॉट डिपेंड ऑन इट। यस यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिपेंड नहीं होना रेफरल के ऊपर, राइट। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप रेफरल मार्केटिंग या वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग मत कीजिए, मैं सिंपल सी एक चीज बोल रहा हूं कि आपको डिपेंडेंसी नहीं करनी है, अपनी स्ट्रेटजी को हमेशा ओमनी चैनल रखिए। ओमनी चैनल का मतलब कुछ रेफरेंस क्लाइंट लीजिए, कुछ ऑनलाइन लीजिए, कुछ अपने ऑफिस से लीजिए, वॉक इन क्लाइंट लीजिए, हर तरह से लीजिए, हर तरीके से लीजिए। लेकिन अगर आप एक स्ट्रेटजी पे सिर्फ डिपेंड हो रहे हैं तो आप अपने बिजनेस के साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर रहे, आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा। हमेशा मार्केटिंग स्ट्रेटजी अलग अलग होनी चाहिए। डीप में अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो फ्री वर्कशॉप आप अटेंड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसी इसका लिंक भी डाल दिया है, राइट। सो रेफरल और वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग ये नहीं है कि ये काम नहीं करेगी, आप समझिए। इसका मतलब यह है कि आपको डिपेंड नहीं होना है, डिपेंड नहीं होना है, समझिए इस चीज को। लोग डिपेंड हो जाते हैं एक स्ट्रेटजी पर, डिपेंड नहीं होना। रेफरल और वर्ड ऑफ माउथ में जो पावर है उसके जैसी पावर किसी मार्केटिंग में नहीं है। अगर आपके क्लाइंट ने बोल दिया जिसका आपने काम किया था कि इसी से काम कराना, इन्हीं फोटोग्राफर से, तो वो सामने वाला जो बंदा है वो आपसे ही कराएगा, इतनी पावर है। लेकिन आपको यह भी समझना पड़ेगा कि रेफरेंस का वर्क आपको आपको कंसिस्टेंसी नहीं देगा, राइट। हो सकता है कि उसने आपको रिकमेंड किया बट वो ऑनलाइन गया और उसको कोई अच्छा लग गया, आपसे भी ज्यादा समझ में आ रहा, उसका कोटेशन अच्छा लगा, तो भी आपके हाथ से चला जाएगा। तो आपको अपनी ऑनलाइन मार्केटिंग को बहुत स्ट्रांग करना है, राइट। आपको पता होना चाहिए सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में, आपको पता होना चाहिए एडवांस लेजर टारगेटिंग सोशल मीडिया स्ट्रेटजी के बारे में, आपको पता होना चाहिए अपनी रीच को बढ़ाने के बारे में। ये सारी चीजें बहुत एडवांस होती है, राइट। ये सब चीज आपको सीखने में आनी चाहिए। आपको एक ऑलराउंडर की तरह आपको काम करना होता है जब आप एक फोटोग्राफी बिजनेस में आते हैं, और खासतौर से जब आप मार्केटिंग को हैंडल करते हैं, राइट। सो दिस इज इट, ये सारा कॉन्टेंट था। तीन चीजें फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फ्री वर्कशॉप अटेंड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हमारे जो प्राइवेट ग्रुप्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं, और प्रीमियम कोर्सेज एंड प्रोग्राम्स के बारे में भी आप जान सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसी के साथ डन डन, एंड आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच, एंड टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे स्पिरिचुअल एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टिल द एंड, थैंक यू सो मच।